नमस्कार दोस्तों, और एक और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज लेके चलूंगा स्क्रीन पे, और जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने छोटे से पोर्टफोलियो को और ज़्यादा फोकस बना के एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जिस वजह से आप आने वाले टाइम में और भी प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, आपका पोर्टफोलियो हरा भरा ही रहेगा। ठीक है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको पेड सर्विसेज के बारे में कुछ भी जानना है या चाहिए तो उसके लिए आपको नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्क्रीन पे चलूँगा। चैनल पे नए हो तो एक बार दिखा देता हूँ कि हाँ, हम चैनल पे क्या कर रहे हैं। बेस्ट, मोस्टली बेस्ट स्टॉक्स और बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड की सीरीज़ पूरी की बेस्ट म्यूचुअल फंड, और हर एक म्यूचुअल फंड को अलग अलग रिव्यू करना, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस। तो अगर आप भी इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं स्क्रीन पे। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी नज़र डालूँ तो मैं ये कहूँगा कि ब्रदर, अगर आप स्मॉल कैप में 3 स्मॉल कैप भी डाल दोगे तो भी गारंटी नहीं है कि इतना रिटर्न जनरेट हो पाए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्क लेके आप एक अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जितना रिस्क ले रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है। मैं आपको नॉर्मल फ़र्क दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप 2.9 CR के आसपास निकाल लोगे अगर आप सेफली भी चलते हो तो। ठीक है, और 3.4 या 3.3 के अराउंड भी आप निकाल पाओगे अगर आप, मुझे पता है 40 लाख का फ़र्क है, मुझे पता है ऑलमोस्ट ये लगा लो 10% का फ़र्क आ जाएगा रिटर्न के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि जो हम रिस्क यहाँ पे ले रहे हैं ना वो वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा है। क्योंकि अब अगर ये नीचे जाएगा तो मैं वो काउंट नहीं कर सकता किसी भी तरह से, लेकिन ये बेटर रहेगा इतना मुझे पता है। ठीक है, और अगर मैं नीचे जाऊं और यहाँ पे आकाश पटेल जी का, आपके पोर्टफोलियो का भी डीप एनालिसिस करेंगे, और आकाश पटेल जी और मिस्टर विनोद यादव, ठीक है, आप दोनों देख सकते हैं कि मैं आप दोनों को दिखा दूंगा कि हाँ, किस तरह से आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, और दोनों ही आप सेम पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। देखो, आपको ज़रूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो पहले ही छोटा है, 4000 आप यहाँ डाल रहे हो प्लस 1000 आप इन दोनों में मिला के डाल रहे हो, आपको सेक्टोरल फंड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ना ही आपको नैसडेक में जाने की ज़रूरत है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब तक आप 10 से 15 हज़ार डाल रहे हो ना पैसा, तो आप फोकस रखो सारा का सारा इंडियन मार्केट पे। 10 से ऊपर जब जाने लगो तो मुझे लगता है कि US मार्केट का एक्सपोजर तब चाहिए आपको, हैं, तब उससे पहले आप अपना इंडियन मार्केट में ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा डाल दो। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊं तो डेट की अगर मैं बात करूं तो डेट 6.21 है। ठीक है, इक्विटी 9.1 में जा रहा है पैसा, और अगर मैं बात करूं यहां जॉइंट कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में 47%, 34% मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में 14% पैसा जा रहा है। चार म्यूचुअल फंड लिए हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC इंडेक्स, पराग पारिक, PGIM इंडिया मिड कैप, और इनमें कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो आपके होंगे वो बताऊंगा, और जो कम है यानी कि जिनका आप ये लगा लो जिनका कंपोजिशन जो बना हुआ है, जिनका वॉल्यूम कम है आपके पोर्टफोलियो में, उनका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उनकी करंट वैल्यू वो बढ़ाएंगे। अभी नॉर्मल अगर हम बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर में 26%, टेक्नोलॉजी में 10%, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल और एनर्जी, हेल्थ केयर में थोड़ा सा नीचे चला गया ये, बाकी सब में ओवरऑल अच्छा ही है। ये ओवरऑल चार टॉप फंड्स जो टॉप सेक्टर आपको दिख रहे हैं वो बढ़िया हैं। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आपका पैसा लग रहा है, और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छा स्टॉक है, ये एक अच्छा स्टॉक है, एल्कम लैब हो गया, विप्रो हो गया, SRF हो गया, NMDC भी ठीक है अगर आप डिविडेंड देखना चाहते हो, टाटा एल्क्सी हो गया, सिप्ला हो गया, ये सब काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं। और टाटा एल्क्सी की बात करूँ तो मिड कैप है, NMDC की मिड कैप है, और ये छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर आपको देखना है कि जैसे आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आप 14 to 16% क्रिएट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट इक्विटी की मदद लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, होपफुली आपको ठीक लगेगा। अगर और भी आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप हमें पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।